एक सच को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे अपनी इमेज को सुधार लो बाकी सबकी इमेज को गिरा दो अपने आप को सही साबित करने के लिए रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं ना सबको बदनाम करते चो गलती किसी एक की है और उसके चक्कर में पता नहीं कितने क्रिएटर्स कितने रिएक्शन चैनल कितनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है और अपनी इमेज को सुधारा जा रहा है गलती किसी और ने की है ना तो उसकी सजा भी तो उनको ही मिलेगी और उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं लोग तो सही बोल रहे हैं गलती आपने की है सच्चाई भी आप ही सोशल पर लेकर आई हो अचानक से सचिन ने लाइव में आकर सुमित जी को थैंक यू बोला जिसके बाद लोगों ने फिर से यही सवाल किए कि ये सचिन बारी बारी से सुमित को क्यों थैंक यू बोल रहा है इसके रिएक्शन में 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 फिर बाद सुमित जी के के जो फ्रेंड है उनकी वाइफ ने आकर मांगी इस चीज बारे में कि आप आकर बताओ एक बार किस टाइम पे सुमित जी ने आपको सपोर्ट किया था ये चैट वगैरह सोशल मीडिया पर लाने के लिए और ऐसा ही कुछ है तो आप अपनी बात रखो क्योंकि हर टाइम पे आप थैंक यू बोल रहे हो हर टाइम पे उनका नाम ले रहे हो लोग यही सोच रहे हैं कि सुमित जी ने तो सचिन को सपोर्ट किया है गलत कामों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो मास्टर है ना ये यही है ये इंसान सबके दिमाग के साथ खेल रहा है क्योंकि इसको लग रहा है ये इंजीनियर है और ये कुछ भी कर सकता है ये अपनी ऑडियंस को भी बेवकूफ बना रहा है अपनी ऑडियंस के आगे हर रोज लाइव में आकर माफी मांगना हाथ जोड़ने से क्या साबित हो रहा है क्या वो सही है अभी भी वो चुपचाप बहुत सारी चीजें कर रहा है जैसे ही जगत दीदी ने लाइव में आकर माफी मांगी उसके बाद उसका कलेजा फिर से फटने को हो गया और अपनी अब दीदी जान को सही साबित करने के लिए अपनी इमेज को सुधारने के लिए दोनों की इमेज को सुधारने के लिए ये जो पाप का है ना, वो किसी और के सर पे रखा जा रहा है और उसके ऊपर की, की जा रही है।, तभी तो कल से एक है, वो रही है ये लग रहा है कि सुमित महल तो देवता था कल तो अचानक से उसको राक्षस बना दिया उस बंदे ने एक बार भी आकर सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कहा वो चाहता तो वो भी अपने डॉलर कमा सकता था वो अपनी बात रख सकता था लेकिन उसको इस चीज की जरूरत नहीं है और इसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं इनका कहना है कि जो ऑडियो आप सुनोगे ना तो उसमें आपके कान फटे रह जाएंगे आपको पता चलेगा ये किस दलदल में ले जाना चाहते थे इस दीदी जी को छोटी बच्ची थोड़ी है जो उसको ले जाना चाहते थे वो उससे बचे कल तक तो इसके पेरेंट्स उसके साथ शादी करवाने के लिए जिद कर रहे थे लेकिन अचानक से आप कह रहे हो कि वो बच गई क्यों क्योंकि सिर्फ एक ऑडियो को सुनाया और उस ऑडियो में कहीं भी आसपास भी सुमित जी का नाम तक नहीं है उस बंदे की आवाज नहीं है वो थर्टी से थर्टी फोर सेकंड की एक क्लिप है जिसके अंदर ये सचिन है वही कह रहा है सब कुछ कि ऐसे 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 कर 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 दिया ऐसे कर दिया दिया शादी के बाद वो ये करने वाला था वो वो करने वाला था ये सारा ड्रामा क्यों किया जा रहा है क्योंकि दीदी जी के सामने उसकी इमेज को खराब करना है अपनी इमेज को सुधारना है क्योंकि लिखवा कर ले लो ये कल को बंदा फिर से उसी के पास जाने वाला है क्योंकि इसका शरीर तो भले ही अंबाला में हो लेकिन इसका जितना भी है ना आत्मा दिल सारा वो भोपाल में ही है वो सारा उसी के बारे में सोचता है और यही एक तरीका था इसका कि अपनी और सामने वाले की इमेज को सही कर दो और किसी और पे ठीकरा फोड़ दो तो उसने कहा कि सुमित शादी के बाद ये ये चीजें करने वाला था ऐसे ऐसे कुछ उसने कहा जो मैं आपको नहीं बता सकती लेकिन हाँ उसमें सचिन ने बोला है सुमित ने कहा है या नहीं कहा है ये हमें नहीं पता लेकिन हाँ उसको मजबूर किया जा रहा है वो सामने आकर बंदा यदि नहीं बोलेगा ना तो ये ऐसे ही उसकी वो करते रहेंगे उसकी उड़ा देंगे धजिया उड़ा रहे उसकी इज्जत की और यह कहा जा रहा है कि इस बंदे की वजह से ये सारा कुछ चीजें हो रही है तो वो रख दो नहीं ऑफलाइन सारों को धमकी दी जा रही है, 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 है? लीगल नोटिस तक भेजे जा रहे हैं जहां ऑनलाइन आकर मासूम सा चेहरा बनाकर रोने धोने वाली वीडियो बनाकर कहा जाता है कि मैं जीरो से शुरुआत करूंगी मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी और जहां भाई कहता है कि घायल शेरनी है कम करेगी वो घायल शेरनी ऐसे ही है कि वो लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देनी हो चाहे वो क्रिएटर्स को धमकी देनी हो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना कि सारे के सारे खिलाफ कैसे हो गए अब इमेज को कैसे सुधारे तो ये बंदी ऑनलाइन तो कुछ बोल लेगी नहीं आज तक नहीं बोला तो ये आज कैसे बोल सकती है ये नहीं बोल लेगी बोलने को ये अपना पक्ष नहीं रख सकती ये रख सकती है लेकिन ये आकर नहीं बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी क्योंकि इसकी इमेज डाउन हो जाएगी लेकिन यहां पर इसको वैसे ही दे भी बने रहना है ऑफलाइन ये सबको धमकियां और वैसे ही दी जा रही है तो कोई सुधरने वालों में से इनमें नहीं है ना ही ये सचिन और ना ही वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों की मिलकर प्लानिंग हो रही है और कल को ये मिलेंगे जो इनो, इस, इनोसेंट है ना वो सुमित और मनीषा ही है आज भी इनकी बातों में आ रहे हैं वहां सुमित नहीं बोल रहा है और यहां पर मनीषा इसकी बातों पर विश्वास कर रही है आप लिखवा के ले लो कि कल को सचिन फिर से उसी के पास जाएगा क्योंकि उसको एक रोना या एक फोन कॉल की देर है वो भागा जाएगा लेकिन हाँ एक चीज है कि इनको पता है कि अब गलती तो होगी जो था वो सारा दिखा दिया तो अब करें क्या कैसे इमेज सही करें क्योंकि इतनी ज़्यादा बदनामी हुई है लोग तो मनीषा की तरफ हो गए तो इनको तो हेट मिल रही है तो इसको सुधारने के चक्कर में इन्होंने इसका नाम ले लिया भाई हाँ अब किसी एक को पकड़ लो और इसके सिर पे ठीकरा फोड़ दो और वही काम किया जा रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आपने वो ऑडियो सुनी है सुनी है तो क्या आपको विश्वास हो रहा है कि सुमित जी ऐसे इंसान है क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं लोगों को तो यहाँ पे जलन हो रही है कि हमारा साथ क्यों नहीं दिया क्यों देंगे वो आपका साथ आप सच्चे थोड़ी हो आपने तो गलत काम किया है यदि आप सगाई के बाद भी उससे बात नहीं करते तो तो फिर भी हम उम्मीद करते कि वो मुंह ऑन कर रही थी पहले गलती की है अब नहीं कर रही लेकिन दो दिन पहले तक तुम दो लोग बात कर रहे हो एक का फोन काट के दूसरे के पास मिला रहे हो और फिर कह रहे हो कि उस बंदे ने आपका साथ नहीं दिया आपने कब उसका साथ दिया आप बताओ क्योंकि उस पर कहा जा रहा था वो बेरोज़गार है उसे कहा जा रहा था कि उसने पैसों के लिए शादी की है लोग आपसे आकर पूछ रहे थे आप एक बार जवाब दीजिए आपकी शादी कब होगी आप उनके बारे में बताइए अलग व्लॉग बनाऊंगी एक अलग व्लॉग बनाऊंगी एक अलग व्लॉग बनाऊंगी वो अलग व्लॉग बन गया अभी तक तो बना नहीं कभी आपने तो सपोर्ट किया नहीं और अगले बंदे से सपोर्ट कर रहे हो कि मैं कुछ भी गलत कर दूँ अगला बंदा तेरे आके और सपोर्ट कर दे ऐसा नहीं होता भाई और यहाँ पर जो भाई सपोर्ट कर रहा है इतना गलत होने पर बहन को उस दलदल दल से निकाल के लाया था आयरन लेडी है काय की आयरन लेडी है भाई किस दलदल दल से निकाल के लाया है इतनी ज्यादा वीडियो है लोग और अपनी इतनी ये तो फिर भी कामयाब थी पैसे कमा रही है फिर भी आयरन लेडी अरे आयरन लेडी वो नहीं होती जिनके यूट्यूब पर भी कुछ नहीं होते मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पाल लेती है और छोटी छोटी उम्र में पाल लेती है तो ऐसा तो कुछ महान काम किया नहीं इसने अर हो गया तो वो भगवान की देन होती है लाखों हजारों लोगों के साथ वो चीजें हो रही है